सो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज मी रवि शाह एंड यू आर वॉचिंग। भाई अभी चैनल का नाम नहीं रखा है, तो चैनल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये सिटी को देखकर आप अगर सरप्राइज हो, अगर शौक में हो, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये साउथ कोरिया है। जी हाँ, और मैं यहाँ साउथ कोरिया में आए हुए लगभग 20 दिन हो चुका है। सो टुडे इज 20 सितंबर एंड वी आर हेडिंग टू इमिग्रेशन ऑफिस फॉर आवर ARC कार्ड। सो आज बायोमेट्रिक का दिन है, तो हम यहाँ पे ऑल टुगेदर 18 स्टूडेंट है, नेपाली स्टूडेंट सी, एंड वी आर हेडिंग टू द इमिग्रेशन ऑफिस टू मेक आवर ARC कार्ड। तो ARC कार्ड क्या है भाई? ARC कार्ड साउथ कोरिया का एक वर्क परमिट है, जिससे मतलब हर चीज़ किया जाता है। बैंक अकाउंट खोल सकते हो, उसके बाद ARC कार्ड मिलने के बाद आप काम कर सकते हो, हर चीज़ मतलब कर सकते हो। ये मैंडेटरी होता है, जैसे कि आपका नेपाल और इंडिया का जो सिटीजनशिप कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वैसे ही ARC कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर साउथ कोरिया। सो आप लोग मे बी मुझे अभी नहीं जानते होंगे, पर मेरा जो पिछला चैनल था विच इज़ नेम्ड एज अ टेक लीक्ड चैनल करके था, वहाँ पे मैं टेक्निकल वीडियो बनाया करता था। तो मैं सोचा कि अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के सोच रहा था, अभी देखो मैं ये वीडियो अपलोड होता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा मोबाइल उतनी मतलब पोजिशन में नहीं है, सो मैं वीडियो बनाकर आपको रख सकूँ। पर आई ट्राई टू मेक वीडियो आफ्टर हैविंग माई फ़ोन, ओके। सो अभी स्टोरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें है, तो मैं जितना भी डाटा है मैं ट्रांसफ़र करूँगा, उसके बाद हो सके तो मैं रखूँगा चैनल में वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी इमिग्रेशन ऑफिस में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद इट्स लाइक 20 डेज, आफ्टर 20 डेज वी आर गोइंग फॉर इमिग्रेशन ऑफिस। अभी तो बायोमेट्रिक सिर्फ होगा, बायोमेट्रिक होने के बाद 2 से 3 हफ्ते लगा सकते हैं मतलब कार्ड आने के लिए। अब ये डिपेंड अपन करता है कि